हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कल्पना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ खड़ी मसूर और मूंग की दाल छिलके वाली, दोनों को, क्योंकि खड़ी मसूर खाली थोड़ा भारी होती है, इसलिए मैंने मूंग की भी डाली है। और ये पालक की सब्जी भी ऐड करूँगी, ग्रीन चावल बनाऊँगी और रोटी, बस एंजॉय करेंगे दाल चावल सब्जी रोटी। पर चावल थोड़ा अलग तरह से बना रही हूँ। मैंने चावल के लिए पालक तीन चार पाँच पत्ती स्टीम कर ली है और उसको मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सी में, धनिया और ग्रीन चिली अदरक के साथ, नमक के साथ। बस मैं बना लूँगी। मैंने दाल चढ़ा दी है, उसे तीन से चार सीटी लगाएंगे हम। उसी तरह मैं दाल पक जाएगी, इसके बाद हम सब्जी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने अदरक हरी मिर्च और लहसुन नहीं डालती हूँ, तो उनको भूख लगाती हूँ। किसी किसी में प्याज में ऐड कर देती हूँ, भूख हल्के और पालक में चल जाता है, सलाद में कट कर लूँगी। तो इसी तरह मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँगी पूरी और बना लूँगी। बस हमारा लंच तैयार हो जाएगा। और सफ़ेद जो आ जाता है दाल के ऊपर, उसको हटा रही हूँ। हल्दी डाल रही हूँ, नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, चार सीटी लगा के बढ़िया। थोड़ा सोडा लगा दिया है, सोडा डाल दिया है क्योंकि खड़ी मसाले पानी में कम लगाती है, इसको मैंने डाल दिया है। और ये मैंने पिकल भी बनाया था मिक्स वेजिटेबल्स का, वो भी इमली गाजर और हरी मिर्च नींबू के साथ, वही मसाला बचा था हमारा जो, उसके साथ मैंने तैयार हो गई है। मैं ग्राइंड कर रही हूँ आलू भुजिया और पालक वगैरह, जो मैं ऐड करूँगी। तो देखेंगे आप हमारा चावल अलग तरीके से, आप भी बनाना, इंजॉय करना। आप पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
हूँ।